नमस्कार आप सभी लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी को गुड इवनिंग आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है कि आज हम जो भी क्वेश्चन लेके आए वो नीट के पूछे हुए क्वेश्चन हैं जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे हमने रखे हुए वो क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी के क्वेश्चन है दूसरी बात ऐसे क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जा सकने की बहुत ज़्यादा संभावना है जो आपको एग्ज़ाम में देखने को भी मिल सकते हैं बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट के पूछे हुए तो एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा आज ही क्लास में मेरा टारगेट ये है आप अपना टारगेट रखते हो तो हम उसे पूरा करने की कोशिश करती हूँ लेकिन मेरा आज टारगेट है कि आज इतनी क्लास को थोड़ा शेयर कर दो जिससे फिफ्टी प्लस बच्चे यहाँ पर जुड़ सके यदि आप इसी प्रकार से हर सटरडे लाइव टेस्ट लेना ए, करवाना चाहते हो ट्वेंथ क्लास का हर सैटरडे आपको लिए टेस्ट लेकर आया करेंगे यदि आज ही क्लास में फिफ्टी प्लस बच्चे आ जाते हैं ठीक है ये हमारा टारगेट है आज ही का कि आज यदि आप लोग इतना शेयर करते हो फिफ्टी प्लस बच्चे आ जाते हैं तो हर सैटरडे वो आपको क्लास ये मिला करेगी ठीक है टेस्ट की तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है रॉक स्टार गोविंदा कपिल गुप्ता चंदन यादव शाक्या रश्मि निधि वर्मा कुमारी आसिया और रोशन मानो सभी को गुड इवनिंग साक्या रश्मि सभी को गुड इवनिंग सभी को नमस्कार सो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस प्यारी सी क्लास में बहुत ही बेहतरीन बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है आज की ठीक है अभी नहीं हुए हम क्लास ट्वेल्थ तो पहले ही दूसरी बात जिनको ट्वेल्थ क्लास रिवाइज करनी है ट्वेल्थ क्लास की सभी वीडियो देखनी है सोलो चैप्टर आपको पढ़ने हैं तो हम वीडियो बना चुकी हूँ इस पर पूरा सिलेबस ट्वेल्थ क्लास का ख़त्म कर चुकी हूँ आप देख सकते जाके कर प्ले में ठीक है लगभग फिफ्टी प्लस क्लासें होंगी आपकी फिफ्टी प्लस क्लास आपको देखने को मिलेगी तो आप सभी लोग वहाँ पर देख लीजिए जाके और आज क्लास स्टार्ट करते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर वन है हमारा आज का सभी को गुड इवनिंग शिवानी सक्या शिवा, शिवम कुमार यादव सभी को गुड इवनिंग अभी नहीं एलेवेंथ पूरा खत्म नहीं हुआ प्रतीक्षा माथुर आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट के पूछे हुए कोई बात नहीं सक्या रश्मि क्वेश्चन हमारा आज का वन और क्वेश्चन ये भी मुझे बताना बाद में कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके बता देना कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो ये भी मुझे जरूर बता देना क्वेश्चन है हमारा मटर के पौधे में अपने उत्कृष्ट प्रयोगों में मेढल ने प्रयोगों न, प्रयोग नहीं किया था ये नीट दो का पूछा हुआ क्वेश्चन है बीज का रंग फली की लंबाई बीज का आकार फूल की स्थिति क्या मेंडल ने प्रयोग में नहीं किया था आपको पता है मेंडल के द्वारा सात प्रयोग किए गए थे कितने प्रयोग किए गए थे सात प्रयोग किए गए थे जो कब किए गए थे तो वो अठारह छप्पन से लेकर अठारह सौ तिरसठ ईस्वी तक किए गए थे और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है सात सालों तक ठीक है सात छः तेरह अठारह सौ छप्पन से लेकर अठारह सौ तिरसठ तक इन्होंने प्रयोग किए थे और कितने सात प्रयोग सात यानी कि विपरीत लक्षणों विपरीत प्रयोग सात पौधे के लक्षण लिए थे उसमें कहने की संख्या यानी सात जोड़ी ठीक है सात जोड़ी को लेकर किया था उसके बाद यहाँ पर क्या नहीं लिया था आपका तो वो आपका बीज का रंग लिया था ये बात सही है बीज का आकार भी था फूल की स्थिति भी थी कचस्त और अग्रस्त एक्जियल और आपकी कचस्त और अग्रस्त दो आपकी फूल की स्थिति थी यहाँ पर और बीज का आकार भी था यहाँ पर बीज का आकार गोल और जुर्रीदार भी लिया था बीज का रंग भी लिया था कह लिया था बीज का रंग लेकिन फली की लंबाई इन्होंने फली की लंबाई पर कोई काम नहीं किया था फली की लंबाई पर इन्होंने कोई कार्य नहीं किया था ना ही कोई प्रयोग किया था तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका एक बार सभी लोग के पहले शेयर करके आओ तब उसके बाद आज क्लास तभी आगे चलेगी जब आप शेयर करके आओगे ठीक है और बीज का रंग कैसा लिया था तो बीज का रंग जो था वो पीला जो था वो आपका पीला और हरा पीला और हरा पीला जो था वो प्रभावी था हरा जो था वो आपका अप्रभावी था तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आए देखिए एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करके आए तो और अच्छा लगेगा कोई बात नहीं अभी लेट नहीं हो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा लिंकेज शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था लिंकेज शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था यानी कि ये शब्द का प्रयोग इस टर्म का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था नीट 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है टी एच मॉर्गन के द्वारा टी बॉबेरी के द्वारा जी मेंडल के द्वारा या सटन के द्वारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं वो सभी नीट के पूछे हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं तो आज की क्लास सभी लोग कंप्लीट देखें और दूसरी बात शेयर करके जरूर आए आज टारगेट हमारा है फिफ्टी प्लस जाने का और ये टारगेट यदि आप लोग पूरा करते हो तो नेक्स्ट सैटरडे फिर आपको टेस्ट मिलेगा इसी प्रकार से और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ क्या है क्वेश्चन का आंसर बताइए इसका बिल्कुल सही आंसर दिया आप सभी ने राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा लिंकेज लिंकेश वो किसके द्वारा दिया गया था तो आपका टी एच मॉर्गन के द्वारा दिया गया था जिन्होंने किस पर प्रयोग किया था फ्रूट फिलाई पर प्रयोग किया था किस पर प्रयोग किया था फ्रूट फिलाई यानी ड्रोसो फिला मक्की पर इन्होंने प्रयोग किया हुआ था गुड़सूत्री ठीक है वंशागति गुड़सूत्री सिद्धांत तो जो दिया था वंशागति का गुड़सूत्री जो सिद्धांत दिया हुआ था क्रोमोसोवल थ्योरी जो आपकी दी हुई थी वो टी एच मॉर्गन के द्वारा ही दी गई थी ठीक है प्रायोगिक नहीं नाराज नहीं है दिव्या साक्या किसी से नाराज नहीं है शिवानी साक्या बी ऑप्शन किसका बता रहे भाई ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका भी है ठीक है ऑप्शन नंबर ए रा... किसी से नाराज़ नहीं है हम क्वेश्चन थोड़ा लगाने में क्वेश्चन को करना है थोड़ा आज क्वेश्चन संख्या काफ़ी है तो क्वेश्चन भी करने हैं मुझे सीपी नेट के फॉर्म आपके जल्दी आएंगे ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ है आनुवंशिक विकार क्या है जिसमें एक व्यक्ति का समग्र मर्दाना होना यानी कि मेस्क्यूल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट विकास गायनोकोमेस्टिया होता है और बांझ होता है नीट 2000 क्वेश्चन नहीं दिख रहे आपको क्यों नहीं दिख रहे भाई क्वेश्चन तो यहाँ सभी मुझे दिखाई दे रहे हैं जासमिन गुड इवनिंग गायने होता है बाज बाज होता है उसे क्या कहते हैं डाउन सिड्रोम ट्रोम फेल्टर सिड्रोम या एट बर्ड सिड्रोम तो हमने आपको बताया था गाइनोकोमिस्टिया जो होता है वो आपका पुरुषों में होता है किसमें होता है पुरुषों में यानी कि व्यक्ति दूसरी बात ये जो पुरुषों में होने वाला जो आपका सिड्रोम है उसे क्या कहा जाता है तो उसे कहा जाता है क्लाइन फेल्टर सिड्रोम क्या कहा जाता है क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम का आ जाता है जिसमें गुड़सूत्रों की संख्या आपकी सैतालीस होती है दूसरी बात यह लिंग गुड़सूत्र होता है लिंग गुड़सूत्र पर आपका होता है ऑर्डर अनुमानसिक रोग जो है ये वो किस पर होता है लिंग गुड़सूत्र पर दूसरी बात यहाँ पर सैतालीस गुड़सूत्र होते हैं ये पुरुषों में होने वाला रोग है इसमें पुरुषों में इसका यदि वो पूछा जाए आपसे प्रतीक पूछा जाए तो एक्स एक्स बाईस से प्रकट करते हैं इसे किससे प्रकट करते हैं एक्स एक्स बाई से ट्राई के कारण होता है क्या होता है यहाँ पर ट्राई होता है एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है दूसरी बात आपसे पूछा जाए कि एडबर सिड्रोम किससे होता है तो एड्रो एड्रो सिड्रोम वो एडबर सिड्रोम है ये अठारहवीं अठारहवीं जोड़ी गुणसूत्र में अठारहवीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र बढ़ जाता है यानी कि सैतालीस हो जाते हैं यहाँ पर भी एडवर्ड सिंड्रोम जो है उसमें अठारवी जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की एक की अधिकता हो जाती है जिसमें कितने हो जाते हैं सैंतालीस में क्या होता है तो यहाँ पर एक की कमी हो जाती है एक जीरो तो पर क्या होता है यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो पैतालीस होती है दूसरी बात ये होता है तो ये मादा में होता है किसमें होता है मादा में यहाँ पर किसमें होता है मादा यानी कि फीमेल में होने वाला रोग है टर्नर सिंड्रोम इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है हमारी पैतालीस होती है यू आर वेलकम शिवानी सा उसके बाद डाउन सिंड्रोम कितने पे होता है तो डाउन सिंड्रोम जो आपका होता है ये इक्कीसवीं होता है कितने इक्कीसवीं जोड़ी में इक्कीसवीं जोड़ी खराब हो इक्कीसवीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की अधिकता से इक्कीसवीं जोड़ी में एक गुणसूत्र की अधिकता से यानी सैतालीस गुणसूत्र हो जाते हैं इसमें भी इसमें भी कितने हो जाते हैं सैतालीस गुणसूत्र आपके हो जाते हैं डाउन सिंड्रोम में और कितने इक्कीसवें गुणसूत्र में अधिकतम से ट्राइसोमी के कार्ड ट्राइसोमी के कारण आपका क्या होता है इक्कीसवीं जोड़ी में ट्राइसोमी के कारण आपका डाउन सिंड्रोम हो जाता है कविता मौर्य आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आप पुरानी स्टूडेंट हो तो आपका भी स्वागत है और नए उनका भी स्वागत है सभी का स्वागत है आज की क्लास में तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो आपकी होती है वो कितनी होती है सैतालीस होती है और पुरुषों में पाया जाने वाला रोग है आए देखिए आए क्वेश्चन हमारा ओके मनीष विशाकिया बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में क्वेश्चन है हमारा आनुवांशिक के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किसके द्वारा किया गया था नीट 2020 का क्वेश्चन है ये एक बार सभी लोग जो लगा दीजिए फिफ्टी प्लस होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यदि आप थोड़ा भी शेयर करते हो आज शेयर कर दो इसके बाद फिर पैसे भी नहीं हम कहते ज़्यादा आज पर शेयर कर दो आज फिफ्टी प्लस पहुँचा दो बिल्कुल उसकी डिस्कवरी भी उन्होंने की थी डिस्कवरी आपसे नहीं पूछी जाएगी तो आप सिर्फ इतना याद कर लो बस ये इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आनवांशिक गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक पूछा गया यहाँ पर प्रायोगिक से पूछा जा रहा है प्रायोगिक सत्यापन किसने किया था तो आपका मॉर्गन के द्वारा किया गया था किसके द्वारा मॉर्गन के द्वारा किया गया था सन उन्नीस सौ तैतीस ईस्वी में कब किया गया था सन 1933 सौ ईस्वी में उन्होंने प्रयोग किस पे किया था तो फ्रूट फिलाई पर प्रयोग किया था किस पर प्रयोग किया था फ्रूट फिलाई यानी फिला डोसो मक्खी इसे कहा जाता है ड्रोसोफिला के नाम से जिसे जाना जाता है किसके नाम से ड्रोसोफिला के नाम से जिसे जाना जाता है इस पर इन्होंने प्रयोग किया हुआ था यदि आपसे ये पूछा जाता कि वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया यदि आपसे ये पूछा जाता क्वेश्चन पूछा जाता पूछा गया है, ये नीट 2020 में ही नीट 2020 में ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया यानी कि वंशागति का जो क्रोमोसोमल सिद्धांत है प्रायोगिक शब्द ना वहाँ पर जुड़ा हो केवल तो गुणसूत्र वंशागत का गुणसूत्र जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया कोई बता सकता है बताइए कोई यहाँ पर बता सकता है मुझे बिल्कुल दीदी वर्मा ने बिल्कुल सही बोला सटन और बोवेरी के द्वारा सटन और बोवेरी के द्वारा दिया गया था इन दोनों के द्वारा इन्हीं दोनों के द्वारा आपका वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत दिया गया था जो कब दिया गया था जो सन उन्नीस ईस्वी में दिया गया था कब दिया गया था सन 1902 सौ ईस्वी में हाँ ए और बी दोनों तब हो जाते सन 1902 सौ ईस्वी में मेंडल नहीं होगा यहाँ पर मनीषा क्या यहाँ वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत यदि आपसे पूछा जाए तो सटन और बोवेरी ने दिया था बोवेरी ने और ये पूछा जाता कि अनुवंशी के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किसने किया प्रयोग के द्वारा किसने सत्यापित किया था तो आपसे यदि ये पूछा जाए तब आप बताओगे मॉर्गन ने किया था किसने किया था मॉर्गन ने ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आए देखिए कुछ याद याद आ रहा कि नहीं आ रहा जो पढ़ाया हुआ है वो आपको कुछ याद आ रहा कि नहीं आ रहा है यदि याद आ रहा है पीछे वाला क्योंकि सोलह काफ़ी दिन हो गए ये चैप्टर पढ़ा है मुझे ये चैप्टर पढ़ा है मुझे काफी दिन हो गए कम से कम दो महीने हो गए होंगे पिछले टाइम तभी पढ़ाया था मैंने उधर ही तो आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है और क्वेश्चन लगाने में अच्छा लग रहा होगा हमारे हिसाब से यदि आप पढ़ के आए होंगे तो और पढ़ के नहीं आए हो तो भैया उतना ही लगेगा जैसा आप पढ़ा रहे हैं तो कम समझ में आएगा आकाश राठौर सी ऑप्शन बिल्कुल शिवम कुमार यादव सोनम मिश्रा आ रहा है ठीक है क्वेश्चन है हमारा एमनीसिस्ट द्वारा विकासशील भ्रूढ़ में निम्नलिखित में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता ये नीट ए आई का पूछा हुआ क्वेश्चन है दो हजार तेरह का ध्रूढ़ का सिड्रोम पीलिया क्लाइंट फिल्टर सिड्रोम क्या हो जाएगा बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा नीतू ऑप्शन बता रही और कोई बिल्कुल सभी का सही आ रहा यहाँ पर बिल्कुल सही बोला देखो ब्रूड का लिंक तो पता एमनियो सेंटिसिस्ट क्या होता है इसमें एक द्रव्य होता है एमनी एमियोन द्रव्य जिसे कहा जाता है एमियोन एमियोटिक नाम का एक द्रव होता है जिसकी सहायता से हम ब्रूड का लिंग का पता लगा सकते हैं ये नर या मादा है उसके बाद इसमें जेनेटिक डिसीज यानी कि क्लाइन फेंटर सिड्रोम का पता लगा सकते हैं डाउन सिंड्रोम का पता लगा सकते हैं आनुवंशिक रोगों का पता लगा सकते हैं लेकिन पीलिया का पता नहीं लगा सकते किसका पता नहीं लगा सकते पीलिया का तो राइट right आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर दिया जो का पता लगाया नहीं जा सकता किसके द्वारा एमनियो सेंटिस विधि के द्वारा जिसे हिंदी में कहा जाता है उल्ब वेदन क्या कहा जाता है उल्ब वेदन कहा जाता है हिंदी में उल्ब वेदन कहा जाता है जो आपका गर्भा एक गर्भाशय के यानी कि ब्रूड के जो गर्भाशय में जो आपका जहाँ ब्रूड़ होता है उसी से द्रव्य निकाला जाता है एम प्ले सेंटर अंदर उसी की सहायता से आप पता लगा सकते हो ब्रूड का लिंग डाउन सिंड्रोम यानी कोई भी अनुमांसिक रोग उसका पता लगाया जा सकता है ठीक है तो राइट आंसर क्या जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हमें लगता है आज आप पचास नहीं पहुंचा पाओगे क्यों भाई एक बार तो कभी कभार हमारे मन की भी कर दिया करो आज एक बार पचास प्लस पहुंचाने की कोशिश तो करिएगा एम्यूटिक फलूड के द्वारा बिल्कुल एम्यूटिक फलूड जो होता है इम्यूनिटिक द्रव्य जो होता है उसी को निकाल के इंजेक्शन की सहायता से किसकी सहायता से इंजेक्शन की सहायता से निकाल के चेक किया जाता है लेकिन अब ये विधि जो आपकी है उन ये इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया अब इसका यूज नहीं किया जा रहा है ठीक है इस पर आपका क्या लगा दिया प्रतिबंध लगा दिया गया है आए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा उभय यानी कि मोनोसियस है इनमें से आपका कौन सा पौधा है जो मोनोसियस है मार्केशिया पोलीमॉर्फर साइकस पपाया कारा देखो तो 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 साइकस के बारे में कुछ क्वेश्चन है साइकस पहली बात तो ये ए, आपका कैसा पौधा है जिम्नो पौधा है कैसा पौधा है साइकस जो आपका है वो एक जिम्नोस्पर्म पौधा है जिम्नो स्पर्म है दूसरी बात तो साइकस का जो अंडाड़ू जो होता है बीजांड जो होता है वो सबसे बड़ा होता है चाहे सुकराणु पादपों में बात की जाए पादपों में जो बीजांड है इनमें क्या है बीजांड इनका जो बीजांड है वो सबसे बड़ा बीजांड माना देखा गया सबसे बड़ा बीजांड यदि आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा शुक्र यानी अंडाडू पूछा जाए तो किसका होता है तो वो आपका होता है साइकस का साइकस के ऐसा एक जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी पौधा है साइकस है आपका पाइनस है ये आपके अनावृत बीजी पौधे और आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा सबसे बड़ा वो किसका होता है सबसे बड़ा बीजंड किसका होता है तो सबसे बड़ा बीजंड जो आपका होता है वो इसी साइकस का होता है किसका होता है साइकस का दूसरी बात आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर साइकस में कौन सी जड़ें पाई जाती हैं यहाँ पर राइट right आंसर तो आपने सही बताया ऑप्शन नंबर डी होगा कारा बाकी के जो भी आपके ये डायोसियस प्लांट है साइकस कैसा प्लांट है तो साइकस जो आपका है वो डायोसियस प्लांट है कैसा है डायोसियस यानी कि इसमें नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं डायूसी का मतलब क्या होता है जिसमें नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं बिल्कुल सही आंसर दिया हरगोविंद चौहान जी वेरी गुड बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो कपिल गुप्ता आपका भी बहुत अच्छा आंसर आ रहा है बिल्कुल सही कहा आपने यहाँ ये जो आपका पूछा जाए यद आपसे कि साइकस में कौन सी जड़ें होती हैं तो साइकस की जड़ों साइकस में जो जड़ें होती हैं उनको कहा जाता है कॉरे क्या कहा जाता है कौर जड़ कहा जाता है रूट कौरे कोरे लॉयड ठीक है जड़ का आ जाता है coroloid जड़ का आ जाता है दूसरी बात इनकी जड़ों में क्या पाया जाता है तो इनकी जड़ों में आपका साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है क्या पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया यानी जिसे कहा जाता है बी जी ए बी जी ए ब्लू ब्लू ग्रीन एलगी हाँ यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है पूछा जाए साइकिस की जड़ों में कौन ए, क्या प्रेजेंट होता है तो साइनोबैक्टीरिया इनकी जड़ों को क्या कहा जाता है तो कोरोड जड़ के नाम से इनको जाना जाता है दूसरी बात यहाँ पर ये आपका कारा कैसा हो जाएगा तो ये आपका मोनोसियस मौन, प्लांट हो जाएगा कैसा प्लांट है मोनोसियस बाकी के आपके डायोसियस हैं ये सभी ये सभी आपके कैसे हैं डायोसियस तो ये आप लोग याद कर लो क्योंकि इनमें नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं कैसे होते हैं अलग अलग उन्हें कहा जाता है डायोसियस और मादा एक ही में उपस्थित होते हैं उनको कहा जाता है आपका मोनोसियस ठीक है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीट 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एगे में कायक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है हाँ नाइट्रोजन फिक्सिंग में सहायक होते साइनो बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन जैसे आपका नो स्टोक नो स्टोक दान की फसलों में भी किया जाता है इनका प्रयोग जो है वो दान की फसलों में भी किया जाता है नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करने के लिए नोस्टोक और एनाबीना का तो यहाँ बताइए क्या होगा राइट आंसर एगे में काय प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल किसके द्वारा होता है तो ये आपका बुल बिल के द्वारा होता है किसके द्वारा होता है बुल बिल के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अच्छा आप मुझे कोई बता सकता है यहाँ पर प्रकंद में आपका क्या आता है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा बिल्कुल सही बोला हरगोबिंद निधि वर्मा मनीषा मनीष रूबी पटेल बबीता यहाँ पर देखो प्रकंद जो है उसमें क्या है प्रकंद में अदरक आ जाती है अदरक प्रकंद में हमारा कौन आ जाता है अदरक है आपका और हल्दी अदरक और हल्दी ये दोनों ही प्रकंद में आ जाते हैं हमारे उदाहरण प्रकंद के यानी राइजोम के एक प्रकार के तना है पहली बात ये क्या है एक प्रकार के तना है जिनमें पर्व और पर्व संधियाँ उपस्थित होती है नोड और इंटर नोड और दूसरी बात यहाँ पर पूछा जाए भूस्तारिका का उदाहरण क्या हो जाएगा बनाना बिल्कुल इसका बता स्टे में ये और ऑफ साइड में क्या आ जाता है भूस्तारिका का उदाहरण बता दो पिस्टिया जल कुंभी आ जाएगा इसमें क्या आ जाएगा जल कुंभी आ जाएगा आपका बाटर आइसन और आपका पिस्टिया भी आ जाता है पिस्टिया और जलकुम्भी जो है वो आपके भू स्तारिका है यदि जलकुंभिक होती है पानी में और पानी में यद आप जाओगे तो कैसे हो जाते अपसेट हो जाते हो तो ऑफसेट में क्या आ जाएगा हमारा जलकुंबी और पिस्टिया ये दोनों ही आपके भू स्तारिका के उदाहरण है जो पानी में पाए जाते हैं आपके कहा पाए जाते हैं पानी में जलकुंभी का वैज्ञानिक नाम है आईकॉर्निया क्रेश आई क्रो आई, आई जिसे बंगाल का आतंक कहा जाता है जल जलकुमी को क्या कहा जाता है बंगाल का आतंक कहा जाता है टेरर ऑफ बंगाल उसके बाद आई किस में पाई जाती तो आई आपकी आलू में पाई जाती है आलू में क्या होती, होती है कचस्त कलिकाएँ होती हैं जो आपका कंद का उदाहरण है किसका उदाहरण है कंद का कंद आलू क्या है तो एक प्रकार का तना है आलू क्या है एक प्रकार का तना ठीक है तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है वेरी गुड प्रतीचा माथुर आए देखिए आए क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नीट 2018 का पूछा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा फूल आ अपने जीवन काल में केवल एक बार खिलता है निम्नलिखित में से कौन सा फूल है जो अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही उस पर पुष्प आते हैं पपीता आम नीला जिसे कहा जाता है स्ट्राबलेंथ कुथियाना ब्लेंथस एक्स्ट्रा ब्लेंथस ब्लेंथस नीला कुरेंजी को ठीक है कुथियाना अब बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा बिल्कुल जिनका यहाँ पर डी ऑप्शन आ रहा है उन सभी का सही है जो सी बोल रहे हैं उन सभी का गलत है सी जो आपका नीला कुरेंजी है ये बारह वर्षों में एक बार देता है नीला कुरंजी जो आपका होता है वो बारह वर्षों में एक बार पुष्प देता है जबकि मैंने क्या किया आपसे पूछा क्या क्वेश्चन पूरे जीवन काल में पूरे लाइफ स्पेन में वो केवल एक बार पुष्प देता है तो वो आपका बांस होता है बांस की प्रजाति बम्बू जो बांस होता है वो अपने पूरे जीवन काल में एक बार देता है फ्लावर तो यहाँ राइट आंसर जो होता है वो आपका क्या हो जाता है डी हो जाता है आप लोग सी बता रहे हो जो सी नहीं होगा डी ऑप्शन राइट होगा जिसका आंसर क्या हो जाएगा बांस बम्बू ठीक है ये बारह साल में एक बार देता है जो केरल तमिलनाडु पहाड़ी स्थानों पर पाया जाता है आपका नीला कुरेंजी, जो देखने में काफी अच्छा लगता है सुंदर फूल आते हैं इस पर और ये बारह वर्षों में एक बार पुष्प देता है बम्बू स्पीसीज हो जाएगा यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आए देखिए, आए क्वेश्चन है हमारा अदरक में काय प्रवर्धन किसके द्वारा होता है अभी बताया था हमने अदरक में कायक हाँ अक्टूबर या सितंबर के महीने बीच में आता है बिल्कुल जिन्होंने डी बताया था अच्छा इनमें क्वेश्चन नंबर ही नहीं है डालना भूल गए हैं कोई बात नहीं है उधर डालते हैं फिर बाद में हमने सोचा बाद में डाल देंगे क्वेश्चन नंबर नहीं डाल पाया तो आप अपने देखते जाना कितने क्वेश्चन है लगभग ट्वेंटी फाइव प्लस क्वेश्चन है आज की क्लास में तो बताओ कितने क्वेश्चन किया अदरक में काय प्रवर्धन किसके द्वारा होता है तो अदरक में काय प्रवर्धन अभी हमने आपको बताया था प्रकंद के द्वारा होता है किसके द्वारा प्रकंद के द्वारा अच्छा कोई बता सकता है यहाँ पर ऊपरी भूस्तारी का उदाहरण बता दो रनर का उदाहरण बता दीजिए कोई यहाँ राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ये बात सही है कोई ऊपरी भूस्तारी का उदाहरण बता दो रनर का बिल्कुल इसकी थ्योरी हमने बहुत अच्छे से कराई हुई है जासमिन बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ समझाया हुआ है थैंक यू सो मच जासमीन आगे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा गुड इवनिंग एग्रीकल्चर स्टूडेंट वेरी वेरी गुड इवनिंग बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में राइजोम जिंगर बिल्कुल हो जाएगा आप इसका बता दो ग्रास बिल्कुल सही कहा गोविंद चौहान जी ने बिल्कुल सही से आंसर बताया है यहाँ पर जो आपका ऊपरी पूछता देखो रनर का मतलब क्या होता है रन हमने ट्रिक आपको बताई थी घास को एक जगह कर दो घास को तुम थोड़ी जगह में करना और तुम आठ दस दस दिन पंद्रह दिन बाद देखना तो ये चारों तरफ फैल जाती है कैसी फैल जाती है रन करती है दौड़ती है तो रनर में हमारा क्या आ जाता था घास आती थी क्या जाती थी घास तो राइट आंसर तो ए हो जाएगा लेकिन आपसे पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा घास हो जाएगा तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर और भूस तारिका का भी हमने आपको बताया था भूस तारिका में हमारा क्या क्या आता है जलकुंभी आती है क्या आती है जलकुंभी आती है बाटर आयसेंद और पिस्टिया ये दोनों ही आपके भू इस के उदाहरण है ठीक है आगे देखिए इसी के साथ आगे देख लीजिए एक बार हाँ जैसे खट आगे देखिए हाँ पिस्टिया एंड बाटर आयसन वेरी गुड हमें ये लगता है आप नीट की तैयारी कर रहे हो तभी आपके आंसर भी अच्छे आ रहे हैं यार गोविंद चौहान जी आप नीट की तैयारी कर रहे हो हमें लग रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है जबकि शेष तीन सही है निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है जबकि तीन आपके सही है तो अभी हमने आपको बताया था कि आगे, आगे में बुलबुल बुल के द्वारा काय प्रवर्धन होता है वेजिटेटिव जो प्रोपेगेशन यहाँ पर होता है वो बुलबुल के द्वारा होता है पत्र कलिका के द्वारा उसके बाद पेनीसिलियम में क्या होता है कोनेडिया पाए जाते हैं पेनी में आपके क्या पाए जाते जातेनेरिया पाए जाते और ये कैसे होते अचल होते कैसे होते अचल इन्हें इन्हेंडिया कहा जाता है हमने आपको चित्र भी बना के बताया था और ये कैसे होते अचल होते हैं तो यहाँ पर ये यह भी आपका सही है कॉनेडिया पेनी में किसके द्वारा होता है के द्वारा ब्रायोफिलम में पत्ती के द्वारा जनन होता है ये तो उसकी पत्ती पत्ती में कस कलका निकल आती है पिस्तानी कलकाए और उस पत्ती से ही पत्ती से ही आपका नया पौधा बन जाता है पत्ती से ही क्या बन जाता है नया पौधा इसकी कलिकाओं से ही नया पादप आपका उत्पन्न हो जाता है तो ये ब्रायोफिलम और एक और आपका है केलन्चू ब्रायोफिलम और कैलन्चू ब्रायोफिलम और कैलन्चू आपके ऐसे पादप हैं ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा, जा चुका है नीट में कि ब्रायोफिलम और कैलन्चू में किसके द्वारा जनन होता है तो वो आपका लीफ बर्ड्स पत्र पतियों के द्वारा जनन पाया जाता है लेकिन बाटर हाई सेंड में रनर के द्वारा नहीं होता है बल्कि ऑफ सेट के द्वारा होता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ये याद कर लेना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है पेनीसीलियम पेनीसीलियम में किसके द्वारा होता है तो कोनेडिया के द्वारा जनन होता है ठीक है और ये अचल होते हैं आपके कैसे होते हैं अचल आए देखिए इस चैप्टर को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है इसकी थ्योरी तो जिसने थ्योरी ना देखी हो तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है देख सकते हो क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया हुआ है चैप्टर हमने बोर्ड पर थोड़ा नहीं थोड़ी कमी रह गई है सर आप फाइव स्टूडेंट और नहीं है थोड़ा शेयर और कर दो फिफ्टी प्लस पहुँचा दो आज तो हमारी बहुत आशा है ये बहुत दिनों से फिफ्टी प्लस बच्चे नहीं देखे क्लास में आते हुए तो एक बार आप शेयर कर दो और ज़बरदस्त तरीके से तब तक हम रुके हुए यहीं पर एक बार जबरदस्त तरीके से शेयर कर दो तब तक हम यहीं रुके हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। फिफ्टी प्लस पहुंचा दो आज सुधीर पाल यू आर वेलकम आगे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा परिपक्वता पर एक विशिष्ट एनजीओ यानी कि आवृत विधि ब्रूड थैली होती है गुड इवनिंग बिल्कुल कोई बात नहीं मनीषा क्या हाँ सभी लोग लाइक भी कर दो अच्छा जाए फिफ्टी फिफ्टी पहुंचा दो फिफ्टी प्लस लाइक कर दो आज तो बहुत अच्छा लगेगा आज की क्लास में रियल बता रही हूँ बहुत सुख अच्छा लगेगा बिल्कुल सही बोला आपने तीन एग एपरेटर्स होते हैं यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होता है जो आपका ब्रूड होता है उसमें ब्रूड में आपके तीन कोशिकाएं आपकी ऊपर होती है तीन कोशिकाएं नीचे होती है जिसमें एक अंड कोशिका होती है दो सहायक कोशिका है ऊपर वाली को क्या कहा जाता है प्रतिमुखी कोशिकाएं एंटीपोडल कहा जाता है दो आपकी बीच में होती है तो इस प्रकार से कोशिकाओं की संख्या तो यहाँ पर दो दो तो नहीं होती कोशिका तो एक ही होती है यहाँ पर कोशिका तो कितनी होती है एक ही कोशिका होती है लेकिन उसे केंद्रक दो होते हैं आपके केंद्रक कितने होते हैं दो तो यहाँ पर कोशिकाएं तो सात हो जाती हैं और लेकिन केंद्रक आपके आठ हो जाते हैं तीन ऊपर दो बीच में और पांच तीन आठ तो आठ न्यूक्लिएटेड और सेवन सेल्ड सेवन सेल्ड यानी कि यहाँ पर सात कोश की आठ केंद्र की होता है जो ब्रूड आपका होता है वो सात कोश की आठ केंद्र की आपका होता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आठ केंद्र की है सात कोश की है आपसे पूछा जाए ऊपर वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं तो प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं एंटीपोडल सेल क्या कहते हैं एंटीपोडल सेल कहा जाता है प्रतिमुखी कोशिकाएं बीच वाली कोशिकाओं क्या कहा जाता है तो धुर्वीय कोशिकाएं कहा जाता है और जो नीचे वाली आपकी तीन होती है उसमें एन, दो कोशिकाएं जो होती हैं उनको सहायक कोशिकाएं कहा जाता है क्या कहा जाता है सहायक और एक बीच में जो कोशिका होती है उसे अंड कोशिका कहा जाता है इन तीन दोनों से मिला के क्या बनता है एग एपरेटस बनता है आपका अंड समुच्चे जिसे कहा जाता है क्या बनता है एक एपरेटस बनता है आपका जिसे इन्हीं में कहा जाता है अंड समुच्चे ठीक है दो एंटी तीन एंटी सेल दो एक, एक सेल और दो सेक न्यूक्लिया बिल्कुल सही बोला निधि वर्मा वेरी गुड दो पोलर न्यूक्लिया बिल्कुल सही बोला आपने हरगोविंद जी तो यहाँ पर समझ में आ गया क्या हो जाएगा दो सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका जब मिलती है तो ये तीनों मिला के एक संरचना बनाते जिसे कहा जाता है एक एपरेटस और इसे हिंदी में कहा जाता है अंड समुच्चय और ये होता है कितना ब्रूड तो ब्रूड जो आपका होता है एनजीओ जी इस पर में वो सात कोश की और आठ केंद्र की होता है सात कोश की है सात कोश की और आठ केंद्र की है इसे लिखना हो वो लिख लीजिएगा ठीक है अच्छा आपका नेट नहीं चल रहा है कोई बात नहीं नेट से कहो चलो जल्दी आए क्वेश्चन देखिए आई क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर वन के क्वेश्चन है ठीक है आदत यादव ओके आई क्वेश्चन है निम्नलिखित में परिवारों में से किस जोड़े के कुछ सदस्यों में जारी होने के बाद महीनों तक अपनी व्यवहारता बनाए रखते हैं ये नीट 2021 का क्वेश्चन है नीट 2021 का क्वेश्चन है बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा थोड़ा और कर दीजिए ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा शेयर कर दो सभी लोग और जो भी स्टूडेंट यहाँ पर न्यू जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आपकी पलाई आपका पढ़ाई होती रहेगी आप बहुत बहुत कुछ यहाँ से सीख के जा सकते हो बायोलॉजी में बायोलॉजी यदि आपको नहीं आती है तब भी आप सीख के जा सकते हो लगातार दस दिन केवल पढ़िए आप दस दिन यानी ग्यारहवें दिन अपने आप आपको बायोलॉजी समझ में आने लगेगी और आपको बहुत कुछ यहाँ से सीख के भी जाओगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग और एक बार शेयर कर दो जबरदस्त तरीके से तो और भी अच्छा लगेगा हमको आंसर बताओ क्या होगा तो देखो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा राइट आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा पोएसी सॉइलिन एसी आपका राइट आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पोइसी और लेंगे मनेसी आपके कुल के जो पौधे हैं उनमें जो पराग होते हैं पोलिन ग्रेन जो आपके होते हैं वो कैसे होते हैं हाँ बिल्कुल जो पोइसी कुल में तीस मिनट तक बिल्कुल पोइसी कुल में क्या आता है आपका गेहूँ आ जाता है पोसी कुल में आपका क्या आता है गेहूँ गेहूँ के जो पराग होते हैं वो लगभग तीस मिनट तक आपके सही बने रहते हैं और लेंगे मनेसी कुल के भी महीनों तक बने रहते हैं तो राइट right आंसर क्या right हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कैसे क्या होगा मैम कैसे होगा मैम जी ज्यादा लालच भला बुरा होता है मधवल ग्रेन में तीस मिनट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी राइट हो जाएगा नहीं होगा भाई महीनों तक अपनी विवाहता को बनाए रखते हैं तीस मिनट होता है लेकिन उसके साथ साथ आपको लेंगू मिनेसी तो दिया है इसमें ऑप्शन इसलिए लेंगू मिनेसी भी दिया है इसलिए आप यही ऑप्शन टिक करोगे फिर और ये क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है उसमें भी यही ऑप्शन दिया हुआ था आपकी ये जो क्वेश्चन जो दिया था, तो दिया था उन्होंने तो इसमें दोनों ऑप्शन थे लेंगू मिनेसी के जो होते पराकड़ मंथ का पूछा हुआ है लेकिन आपको लेंगु मिनेसी साथ में दिया तो इसी को टिक करना होगा फिर और यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसी को ऑप्शन को उन्होंने टिक किया था तो इसी को आपको करना होगा फिर ऐसे पॉइसी कुल में गेहूँ जो होता है उसका तीस मिनट दे रहे हैं एन बुक में फिर भी आपको करना यही ऑप्शन है ठीक है ऑप्शन नंबर बी राइट होगा एक बार बुक देख लेंगे कोई बात नहीं लेकिन आंसर आपका यही था उसमें आंसर आपका यही था मंद पूछा गया है लेकिन हम एक बार उसे देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है एक बार देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा तो हम देख के आपको कल बता देंगे नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा मैम ग्रेन की फैमिली पोईसी है ग्रेन ग्रेन नहीं गेहूं की गेहूं का आपका पोयसी में आता है इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा बीजांड का शरीर बीजांड ब्रंथ से संगलित होता है जो बीजांड का शरीर होता है ओब्यूल का वो किससे संगलित होता है किससे जुड़ा होता है माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार से चिलाजा यानी कि जिसे कहा जाता है नाविका नाविक वो ऊपर वाला निभाग सॉरी निभाग जिसे हिंदी में कहा जाता है चिलाजा क्या कहा जाता है निभाग बीजांड द्वार के विपरीत जो आपका होता है भाग उसे क्या कहा जाता है एक बार हम उसे देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो गलत हमने ऑप्शन कर दिया होगा तो हम उसे दोबारा से देख के कर देंगे सही आप परेशान हो पहले ठीक है कोई बात नहीं हमने गलत या तो ऑप्शन टिक कर वो हरगोविंद चौहान जी मेरे भाई यदि गलत हो गया है तो हमने मान लिया है ठीक है हाँ एक बार हम देख लेंगे हम कह तो रहे हैं और कितनी बार कहे बताओ हम कह रहे हैं भाई कि यदि गलत हो गया है तो हम उसे देख के हम कल आपको बता देंगे हमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है ठीक है हमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है तो वो गलत है क्वेश्चन तो हम उसे देख के और कल की क्लास में करा देंगे परेशान नहीं हुआ करो मैंने बता दिया बोल दिया और कैसे बताया बताओ अभी तो हो नहीं सकता है इतनी जल्दी अब कल हम देख के फिर हम आपको बता देंगे बुक में देख के और बता देंगे कल परेशान नहीं हुआ करो तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक है परेशान नहीं हम देख के बता देंगे उसे गलती होती है गलती इंसान से ही होती है ठीक है गलती जो होती है वो इंसान से ही होती है और हम ही इंसान है भगवान तो है नहीं हम देख के बता देंगे कल आपको कोई बात नहीं हो गया गलत तो हो गया, तो गया। क्वेश्चन टाइप करने में बहुत एक क्वेश्चन तो है नहीं काफी क्वेश्चन थे यार ठीक है ओके हम उसे देख के कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है कपिल गुप्ता आपने बता दिया तो अच्छी बात है और नहीं हम देख के कल सही करा देंगे आपका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा देखो बीजांड का शरीर बीजांड ब्रत से जो जुड़ा होता है आपका बीजांड जो होता है वो किससे जुड़ा होता है ये आपका बीजांड ब्रंथ जो है वो नाभिका यानी कि हाइलम से जुड़ा हुआ होता है किससे जुड़ा हुआ था हाइलम से तो राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल सही बताया हम उसे देख के कल आपको सही करा देंगे नहीं ध्यान दिया हमने तो कोई बात नहीं है हमने अपनी गलती मान ली है गलती मानना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है हमारे हिसाब से यदि तो कोई गलती करता है उस गलती को मान ले तो और अच्छा अच्छी बात है और उस पर बैंसबाजी यदि आप करते हो तो गलत बात है फिर ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं यार गोविंद चौहान जी कोई बात नहीं है आगे देखो क्वेश्चन क्या है ऐसे नहीं गलती होती है सभी पर होती है जल और जल कुम्दनी में परागढ़ होता है नीट 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका जल कोमी और जल कुम्दनी में परागढ़ होता है परागढ़ नहीं परागढ़ पोलिनेशन जो होता है वो कब होता है किसके द्वारा होता है केवल जल धाराओं के द्वारा हवा और पानी के द्वारा कीड़े और पानी के द्वारा और कीट या वायु के द्वारा किसके द्वारा होता है तो देखो यहाँ पर बिल्कुल आपने सही बोला है कीट या वायु के द्वारा होता है किसके द्वारा कीट या वायु ऑप्शन नंबर यहाँ राइट होगा वो आपका डी ऑप्शन है भले ये जल में है लेकिन जल में एक बात ध्यान रखना हमेशा ये जल में पाए जाने वाले पौ, पौधाए जल कुंभी भी या जलकुम्भनी भी है लेकिन इनमें जल के द्वारा नहीं हो सकता है परागढ़ किसके द्वारा होगा तो कीट के द्वारा होगा कि वायु के द्वारा होगा तो ये बात ध्यान में रखना आप सभी लोग तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आइए देखिए और ये सभी क्वेश्चन हम कभी कई बार करा चुके हैं तो गलत कोई ना करे और गलत न करे यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्लास देख ले थ्योरी की एक बार सभी लोग तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ पौधे में थैलेमस फलों यानी थैलेमस का अंदर पुष्पासन पुष्पासन के द्वारा हाइडला इन बेलिसन में बाटर से होता है बिल्कुल सही बोला आपने बेलिस नेरिया में जल के द्वारा होता है परागण ये भी याद कर लेना ये भी पूछा गया क्वेश्चन है आपका और पूछा भी जा सकता है आपसे कि में में और किसके द्वारा परागण होता है तो वापस जल जल के के द्वारा 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 होता होता है है किसके इसे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा पुष्पासन यानी कि कुछ पौधों में पुष्पासन फलों के निर्माण में योगदान होता है ऐसे फलों को क्या कहा जाता है तो ऐसे फलों को असत्य फल कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा जिसमें हमारा जिसमें हमारा जो आपका उदाहरण यदि आपसे पूछा जाए तो सबसे अच्छा उदाहरण आपका है सेब ये आपका क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है सी पी नेट में सी पी नेट दो हज़ार इक्कीस या बाईस के कोई बाईस में ही शायद आया होता है यानी इक्कीस में बाईस में आया हुआ क्वेश्चन है कि सेब में सेब किसका उदाहरण है तो सेब आपका जो है वो आपका असत्य फल में आ जाता है इसमें इसका विकास जो होता है वो किसके द्वारा होता है थैलीमस के द्वारा होता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है यहाँ पर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बाद में बता देना सत्य फलों के उदाहरण कुछ सत्य फल के उदाहरण बता देना जो हम आपको कई बार बता चुकी हूँ कई बार कई उदाहरण हमने आपको बताए हुए थे तो आप सत्य फल के उदाहरण कमेंट करके बता देना ठीक है आए देखिए आए क्वेश्चन हमारा नीट 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कुछ पौधों में मादा युग्मक बिना निषेचन के एक भ्रूण में विकसित हो जाता है इस घटना के रूप में जाना जाता है इस घटना को क्या कहा जाता है पा, पार्थेजेनोसिस पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोकार्पी ओटोगेमी या सिनेगेमी क्या कहा जाएगा बताइए पार्थेनोकार्पिक बिल्कुल मैंगो ट्रू फ्रूट है बिल्कुल सही बोला सोना मिश्रा वेरी गुड पार्थोजेनेसिस पार्थेनोकार्पिक नहीं होगा यहाँ पर कुछ पौधों में, मा, <laughs> में मादा युग्मक बिना निषेचन के गलत आंसर देते हो कुछ पौधों में मादा युग्मक पार्थेनोकार्पिक नहीं हुआ कपिल गुप्ता पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है अनिशेख जनन कहा जाता है गलत आंसर दे रहे हो आप और हमने भी आपसे कह दिया सही दे रहे हो ठीक है गलत आंसर दे रहे हो राइट आंसर ए होगा यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस अनिषेक जनन मादा यदि आपसे यू पूछा जाता है बिना फल बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है यदि भ्रूढ़ की बात हो जब जब भ्रूढ़ आपसे पूछा जाए तब आप पार्थोजेनेसिस कहोगे और ये पूछा जाता है बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है तब आप बताते पार्थेनोकार्पी अनशेख फलन क्या कहते हैं अनशेख फलन तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्योरी क्लास आपकी कल होगी कल हम बोर्ड पर क्लास बनाएंगे वो हम आपके लिए डाल देंगे ठीक है हाँ फ्रूट बनाने में उसको कार्पिक बोलते हैं बिल्कुल तो यहाँ पर ए, पार्थेनो कार्पिक जो है ये अन्य फलन हो जाएगा क्या हो जाएगा अनशेक फलन हो जाएगा हमें तो हिंदी से याद रहता है हिंदी में याद आपको हिंदी याद की सही है थोड़ा हिन्दी में चीज़ों को समझते हुए चलो हिंदी इंग्लिश दोनों तो आप समझ सकते हो ठीक है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पार्थेनो जेनेसिस कहते हैं और ये पूछा जाता है फल का निर्माण हो बिना निषेचन के फल बन रहा है तो ये पार्थेनो कार्पिक हो जाता अनसेक फलन आए देखिए आप लोगों ने कोई बात नहीं जल्दी में दे आंसर तो थोड़ा ध्यान से दीजिए जल्दी दल, में आप ऐसे क्वेश्चन गलत कर आओगे नीट में कितने नंबर का आता है चार नंबर का एक क्वेश्चन आता है सर चार नंबर का वो आप गलत करके आ जाओगे ठीक है आपको नीट एग्जाम देना है गर्भावस्था के बाद चरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन रिलैक्सिन को श्रावित करता है गर्भावस्था के बाद के चरण में गर्भावस्था के बाद के चरण में दौरान कौन रिलैक्सिन को श्रावित करता है भ्रूढ़ गर्भाशय या कार्पस लुटियम या इनमें से कोई नहीं भाई फिफ्टी प्लस नहीं आपने पहुँचा है थोड़ा फिफ्टी प्लस पहुँचा दो फोर्टी एट से लौट आए पीछे क्यों नोट नहीं होगा यहाँ पर आंसर नोट क्यों बता रहे हो भाई कपिल गुप्ता ना ए होगा हरगोविंद चौहान जी नहीं तो रिलैक्सन जो होता है वो आपका कार्पस लुटियम से भी तो निकलता है कार्पस लुटियम से भी तो निकलता है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका कार्पस लुटियम क्या हो जाएगा कार्पस लुटियम होगा यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी अभी हमने डिटेल से बताया हुआ है आप हाँ आए क्वेश्चन देखिए अभी और ये क्वेश्चन इसी प्रकार के आप वहाँ पर देख लेना क्वेश्चन है हमारा मनुष्यों में गर्भावस्था के बार सप्ताह यानी पहली तिमाही के अंत में निम्नलिखित में से देखा जाता है क्या देखा जाता है क्वेश्चन क्या था आपका गर्भावस्था के बाद चढ़ के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रिलैक्शन को श्राबित करता है कार्पस लुटिए ही आंसर है इसका एक बार चेक कर लेना और चेक कर लेना यदि तो डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं डाउट हो तो चेक कर लेना वैसे गलत नहीं है आंसर वही आपका है राइट थ्योरी पढ़ना जाके एक बार इसकी इस क्वेश्चन का राइट right आंसर बताओ क्या हो जाएगा देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा ठीक है ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर होगा अधिकांश प्रमुख अंग तंत्र बनते जो आ, अंग तंत्र जो आपके होते हैं वो पहली तिमाही में यानी थ्री महीने में बनना शुरू हो जाते हैं ठीक है तो राइट right आंसर हो जाएगा यहां जैसे हार्ट है आपका ये भी फर्स्ट तिमाही में हो जाता है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अधिकांश प्रमुख अंग तंत्र बन जाते हैं आपकी पहली तिमाही में आगे देखिए आए क्वेश्चन है आपका आगे आपका क्वेश्चन है आपको मिलान करके हारमोनी बताने होंगे मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन करेक्ट ऑप्शन आपको लगाना होगा ओवरी से कौन से हारमोन होते हैं प्लेसेंटा से कौन से हारमोन निकलते हैं कार्पस लुटियम से और लीडिंग सेल से कौन सा हारमोन आपका स्रावित होता है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा इसका आंसर बताइए ओवरी से क्या होता है देखो ओवरी से आपको पता होना चाहिए ओवरी से क्या होगा तो देखो ओवरी से आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यहां पर वन टू ऐसे लगा लेना वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ठीक है ये आप लगा लेना तो ओवरी से आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा ओवरी से होता है एस्ट्रो ये ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही बोला इक्कीस तैतालीस इक्कीस तैतालीस दो से ही पता चल गया मुझे ओवरी से क्या होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा से आपका क्या होता है प्लेसेंटा से आपका निकलता है ह्यूमन कॉरियोनिक एस सी एस सी जी एच पी एल ये सब आपके प्लेसेंटा से शराबित होते हैं ठीक है ठीके? और आपका कार्पस लुटियम से होता है प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन जो होता है रिलेक्शन होता है ये सब इसी से होते हैं कार्पस लुटियम से लीडिंग सेल से क्या होता है तो एन लीडिंग सेल पाई जाती है नर में लीडिंग सेल में आपकी किस में पाई जाती है नर में पाई जाती है लीडिंग सेल जो होती है वो नर में होती है मेल में होती है तो ये क्या शराबित करती है एंड्रोजन एंड्रोजन जो हार्मोन होता है वो नर में ही पाया जाता है एस्ट्रोजन पूछा जाए तो मादा में पाया जाता है तो यहाँ पर इक्कीस तैतालीस आपका बनेगा कोड़ ठीक है ऑप्शन नीचे दिए हुए थे हाँ बिल्कुल दिए हुए थे ये दिए तो हैं देखो ना ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ठीक है एच पी एल एस सी जी ये सब आपके प्लेसेंटा से शराबित होते हैं ह्यूमन कोरियोनिक ठीक है बफरिंग हो रही है मनीषा क्या चलो थोड़े क्वेश्चन है नेट ख़त्म होने वाला होगा क्योंकि वन जी डेढ़ जी बी डाटा जो है वो एक घंटे की वीडियो में चला जाता है डेढ़ जी बी डाटा है वो एक घंटे के वीडियो में चला जाता है क्वेश्चन है आगे हमारा एच सी जी एच पी एल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टोन जैसे कई हार्मोन उत्पन्न होते हैं किससे उत्पन्न होते हैं बताइए अंडाशय से गर्म से फेलोपियन ट्यूब से या ट्यूटरी से हाँ एंड्रोजन टेस्टेड इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ बिहेवियर बिल्कुल सही जो मेल का जो बिहेवियर होता है व्यवहार होता है वो आपका इसी से आपका पता चलता है बिल्कुल सही बोला प्ले सेंटा से श्रावित होते हैं अभी हमने बताया था एच सी एल ओ एच पी एल ओ ये सब आपके किससे होते हैं प्ले सेंटा गर्भ नाल से श्राबित होते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गर्भ नाल या प्ले सेंटा से शराबित होते हैं मेरा डाटा खत्म होने वाला है तो हो सकता है क्वेश्चन ना हो पाए इसलिए जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आप कर लो ठीक है यह भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट का शायद नीट के 2020 या 19 का क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन सभी नीट के हैं आज की क्लास में क्वेश्चन है हमारा मानव मादाओं में अर्ध विभाजन सेकेंड कब तक पूरा नहीं होता है जो अंडाड़ू होते हैं उनमें आपको पता है दो बार विभाजन होता है मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकंड होता है तो मियोसिस बंद तो हो जाता है लेकिन सेकंड नहीं होता उसमें तो वो जन्म पर हो जन्म के टाइम होता है कि गर्भाशय आरोपण के टाइम होता है निषेचन के टाइम होता है कि योमन के टाइम होता है तो ये हमेशा याद रखिए जो विभाजन में जो मानव वो निषेचन के टाइम होता है किसके टाइम होता है निषेचन के टाइम तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के दौरान आगे देखिए ये नीट दो हजार नीट दो हजार का का है दो हजार तेरह का दो हजार तेरह का क्वेश्चन है ये आपका मासिक धर्म प्रभाव की कमी का कमी के कारण होता है मासिक धर्म प्रभाव की कमी के कारण होता है एप एस एच ऑक्सीटोसन इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा बताइए मासिक धर्म प्रवाह की कमी के कारण होता है जो मासिक मासिकेशन फ्लो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है तो प्रोजे स्टेर प्रो की कमी के कारण होता है ठीक है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आइए देखिए नीट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये नीट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आईओडी जारी करने वाला हार्मोन का उदाहरण है ऐसा कौन सा आईओडी है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस हाँ बिल्कुल कौन सा इनमें से है जो हार्मोन का आपको हार्मोन का श्रावण करता है तो आपको पता होना चाहिए एल एल एन जी ट्वेंटी एल 20 जो ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है इसके साथ आपका एक और है प्रो जे प्रो जे स्टार स्टार सेट प्रो जे स्टार सेट जो आपका होता है हाँ गाय है हमारे यहाँ पर पास में बंदी हुई है तो वो चिल्ला रही है कोई बात नहीं वो भी उसका भी टाइम है भूख का टाइम है इसलिए है। तो यहाँ पर आप याद कर लो प्रोजे स्टार 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 सेट और आपका एल एन जी ट्वेंटी ये दोनों ही हार्मोन का श्रावण करते हैं और एक प्रकार के आई यू डी है आपके तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी राइट हो जाएगा दूसरी बात पूछा जाए कॉपर टी और मल्टीलोड तीन सौ पचहत्तर और कॉपर सेवन ये तीनों ही आपके कॉपर को श्रावित करते ताबा मोचक है क्या है ये आपके ताबा मोचक कहे जाते ये क्या कहे जाते है? है, हैं ताबा मोचक यानी कॉपर को शराबित करते ये कॉपर कॉपर मोचक हैं ये आपके और पूछा जाए आपसे कि औषधि रेत कौन सा होता है हाँ ये ऊपर वाले कॉपर रिलीजिंग है कॉपर को नि करते रिलीज इसे रिलीज करते कॉपर को कॉपर सेवन मल्टीलोड तीन सौ और कॉपर टी उसके बाद आपसे औषधि रेत भी पूछा जा सकता है औषधि रेत कौन सा होता है औषधि रेत कौन सा आपका होता है तो वो आपका कौन सा है लिपे ल, लिपे लिपेस लूप लिपेस लूप जो आपका है वो औषधि रेत है ठीक है ऊपर वाले कॉपर कौप, रिलीजिंग हारमोनी है बिल्कुल लेकिन आपको औषधि रेत पूछा जाए तो ये लिपेस लूप है जो एस की आकृति का होता है कुछ कैसा होता है एस आकृति के तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल एज एल एन जी ट्वेंटी एल एन जी ट्वेंटी आगे देखिए नीट 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एस ठीक नहीं होते ऐसे कौन से रोग हैं जो आपके ठीक नहीं होते हैं एस आपको बताना होगा इसमें से इसमें से कौन सा ऐसा है जो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यौन संचारित रोग इनमें से कौन सा आपका ऐसा रोग है जो ठीक नहीं होते जेनेट जेनेटल हर्पीस हेपेटाइटिस बी एच आई इन्फेक्शन कौन सा हो जाएगा बताइए राइट right आंसर क्या हो जाएगा इसका तो देखो जीवाणु से जो रोग होते हैं वो आपके सही हो जाते हैं जैसे सिपलिस है गोनेरिया है ये तो आपके सही हो जाते हैं तो यहाँ पर बी और सी तो नहीं होगा आपका ना ही बी होगा ना ही सी होगा तो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन राइट होगा यहाँ ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट होगा जेनेटिल हरपीज हेपेटाइटिस बी एच आई वी इन्फेक्शन ये आपके ठीक नहीं होते ठीक है थीके? दूसरी बात हेपेटाइटिस बी का टीका आपसे पूछा गया था सी पी नेट दो हज़ार बाईस में कि हेपेटाइटस का टीका जो है बी का टीका वैक्सीन जो है वो किससे निकाली जाती है तो ये आपके ईस्ट से निकाली जाती है ईस्ट से प्राप्त की जाती है ये क्वेश्चन सी पी नेट का सी पी नेट दो हज़ार बाईस का क्वेश्चन था किसका क्वेश्चन है सी पी नेट दो हज़ार बाईस का क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी का टीका किससे निकाला जाता है तो ईस्ट से प्राप्त किया जाता है तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा इसे और बाकी के ये तीनों ऐसे रोग हैं जो आपके सही सेप्लिस और गोनेरिया जो हैं सेप्लिस और गोनेरिया ये जीवाणु के द्वारा होते हैं ये सब आपके उसके द्वारा हैं विषाणु के द्वारा वायरस के द्वारा किसके द्वारा है वायरस के द्वारा है ये जीवाणु के द्वारा है आपके सिप्लिस और गोनेरिया ठीक है हाँ ईस्ट के द्वारा बिल्कुल एन में दिया हुआ है तो आप याद कर लो उसे पूछा गया था आपका क्वेश्चन सीपी नेट में आए क्वेश्चन है आपका आए क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से यौन संचारित रोग पूर्ता उपचार योग्य नहीं है नीट 2019 का क्वेश्चन है अभी बताया जस्ट हमने थोड़ी देर पहले कौन सा ऐसा रोग है जो आपका रोग पूर्णता पूर्ता उपचार योग्य नहीं है क्लेमाइडो माइडोसिस वोनेरिया जेनेटिल हर्बार्टस और जेनेटिल मार्किंग होती है नीट के पेपर में बिल्कुल होती है हरपीस तो जेनेटियल हरपीस जो आपका है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अभी बताया था हरपीस जो है वो आपका उड़ता उपचार उसका कोई उपचार नहीं है कोई ट्रीटमेंट नहीं है अभी तक जिससे वो सही हो सके आए देखिए आई क्वेश्चन आपका है कॉपर रिलीजिंग आई यू डी एस कॉपर आयनों का कार्य है कॉपर रिलीजिंग आई कॉपर आयनों का कार्य नीट 2017 का क्वेश्चन है ये इसका कार्य क्या है क्या कार्य करता है जनन को 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 रोकते सर को रोकते क्रिया को कर, रोकते हैं हैं अंडोसर क्रिया कि शुक्राणु की गतिशीलता और शुक्राड़ुओ के निषेचन क्षमता को दबा देते हैं या इनमें से कोई नहीं तो देखो हमेशा याद रखे ये जो आईओडी जो आपकी होती है कॉपर वाली वो शुक्राणु की गतिशीलता और शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता को दबा देते हैं सप्रेस कर देते क्या कर देते सप्रेस तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा आगे देखिए आगे क्वेश्चन हमारा है नीट 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है इन विट्रो निषेचन के कार्ड इन विट्रो निषेचन के कार्ड विट्रो मतलब बार, बार परख में कराया जा रहा है विट्रो का मतलब होता है बार विवो होता है अंदर सोलह से अधिक ब्लास्टोमेयर्स वाले ब्रूड को स्थानांतरित किया जाता है कहां पर गर्भाशय में फेलोपियन ट्यूब में या गर्भाशय ग्रीवा में या इनमें से कोई नहीं बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा तो देखो वो आपका जो स्थानांतरित किया जाता है वो गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है जब 16 से अधिक ब्लास्टोमियर का हो जाता है रूर, तो उसे कहां किया जाता है है तो उसे किया गर्भाशय में तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय यानी कि यूट्रस में किया जाता है और फेलोपियन ट्यूब में कितना होता है लगभग आठ कोर्स की होता है वहां पर ठीक है आए देखिए हाँ सोलह से कम है तो हमने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इस चैप्टर के क्वेश्चन है जो हमने लगभग तीन दिन में आपको कंप्लीट कराए हुए थे लगभग चालीस पचास क्वेश्चन कराए हुए वहाँ पर ट्वेल्थ क्लास की जब बायोलॉजी हमारी स्टार्ट हुई थी तो उसमें हमने एम सी क्यू कराए हुए इस चैप्टर के जनन स्वास्थ्य के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराए हुए बहुत अच्छी तरीके से तो आप उन क्लासों को देखोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो थ्योरी भले ही ना पढ़ो आप तब भी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है तो देखो यौन संचारित रोग यानी कि एस आपसे पूछा गया है एस तो वो आपका सिपलिस भी है एडिस भी है यौन संचारित ट्राइकोमोनीस भी है लेकिन इंस इन, इंसफ्लाइटस नहीं है आपका यानी कि जिसे क्या कहा जाता है इसका दूसरा नाम कोई बता सकता है मुझे इंसफ्लाइटस का फ्लाइटस का दूसरा नाम इन्सफ्लाई एंसफ्लाइटस का दूसरा नाम क्या हो सकता है बताइए इसके बारे में तब तक मैं आगे क्वेश्चन लगा रही हैं चलिए तो आगे भी हमारा क्वेश्चन है आज क्लास ख़त्म है लगभग मैंने ट्वेंटी एट क्वेश्चन आपको करा दिए हैं एंसफ्लाइटस किसे कहा जाता है नवनीत यादव अब आए हुए भाई क्लास में बहुत लेट हुए और आज आपने फिफ्टी नहीं पहुंचा पाया दो बच्चे ओनली तीन कम थे फिफ्टी नहीं पहुंचा पाया ये फोर्टी एट भी अटके रहे आज चलो कोई बात नहीं अब की बार लेके आए तो फिफ्टी पहुँचाने की कोशिश करना ठीक है हाँ हमारे यहाँ का हुआ है वो चिल्ला रही है ठीक है अच्छा वन क्वेश्चन रॉन्ग हुआ कोई बात नहीं कपिल कपिल गुप्ता जी ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो बस यही कामना शुभकामना हमारी है और क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कितने क्वेश्चन आपके गलत गए कितने सही गए ट्वेंटी एट क्वेश्चन थे हमने बता दिया आपको ट्वेंटी एट क्वेश्चन थे आज की क्लास में हमने जल्दी जल्दी सॉल्व कराने की कोशिश की है क्योंकि नीट पूछे हुए क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है जो हम आपको पहले भी करा चुके हैं तो हमने ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं की है ट्वेल्थ में सिक्सटी सिक्स परसेंट है टेंथ में इकहत्तर है तो मुझे सीट मिल सकती है सात छः तेरह मिल जाएगी लेकिन प्राइवेट मिलने की चांस ज़्यादा है सर सी दो भी ठीक है तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हुए हैं कमेंट के कारण अभी नहीं बाद में बताना अभी नहीं आप सुनेंगे किसी की और कैसी क्लास लगी है ज़रूर बताएं हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप जुड़ सकते हो बायोलॉजी विद आरती के नाम से है जिसमें लगभग सोलह सौ सो बच्चे जुड़े हुए हैं ठीक है ओके बहुत बहुत धन्यवाद कपिल गुप्ता सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए आज बहुत शेयर किया आपने ठीक है आज बहुत शेयर किया आपने फोर्टी एट पहुँचा दिए इसी प्रकार से आया करो क्लास में बहुत अच्छी क्लास थी थैंक यू चंदन यादव ओके नवनीत बहुत आप तो लेट हुए कोई बात नहीं ले अगली बार पीछे वाले जो क्वेश्चन ना देखे हो वो कर लेना मेडिकल स्टूडेंट लिंक डाल दे ठीक है दूसरी बात काफ़ी आपने शेयर किया ऐसी बात नहीं है सभी लोग लाइक कर दो एक बार सभी लोग एक बार लाइक कर देना शेयर कर देना ठीक है मेरी नहीं कहा हुआ है भाई प्रीति चा माथुर पड़ोस में बंधी हुई है मेरे यहाँ काऊ है तो लेकिन वो वो खाना खा चुकी है अपना उसका हो चुका है खाना लेकिन ये पड़ोस में जो गाय है वो चिल्ला रही है उसको नहीं मिला अभी हमारी नहीं चिल्ला रही है पड़ोस में है किसी की ठीक है हाँ थ्योरी अच्छे से पढ़ाई है मैम अभी समझ आए क्वेश्चन अच्छी बात है बहुत अच्छी बात जासमीन अरे खाना हमारे नहीं रिलेक्शन एंड ओवरी दोनों से निकलता है और लेटर फेस में ओवरी से निकलता है निधि एन सी आर टी लाइन है बिल्कुल हाँ सही बोला कपिल पढ़ लेना एक बार सभी लोग इसे थ्योरी पढ़ लेना जिसे ना समझ में आया जो उन क्वेश्चन जिसे समझ में नहीं आया वो थ्योरी जाके पढ़ ले जाके और वो वाला क्वेश्चन जो है उसमें भाई आपका होगा पोएसी और वो आपका जो रो को एक और कुल है लैंगू में ए सी वही ए में तो तीस मिनट बाद हो जाता है गेहूँ जो होता है उसमें तीस मिनट बाद आपका पराकड़ मर जाते हैं उसमें परागड़ तो वो गलत हो गया क्वेश्चन हमसे भी वही वाला क्वेश्चन हमसे भी गलत हुआ है तो वो हम उसे सही करा देंगे ठीक है जो गलत हुआ उसे हम सही करा देंगे कोई दिक्कत नहीं है और वो उसका सही आंसर था वैसे वो इनमें से न, ए, कोई नहीं आंसर होगा उसका इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन दिया हुआ था वही आंसर होगा हमने ध्यान नहीं दिया उस पर क्वेश्चन पे थोड़ा तो वो नोट ही आपका आंसर सही होगा जो क्वेश्चन पीछे वाला था ओके कोई बात नहीं चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं मेरी भी एम ख़त्म है डाटा पूरा खत्म हो गया डेढ़ जी का हाँ बिल्कुल हाँ कपिल वो वही आंसर आपने सही भेजा हुआ था उसका आंसर हमसे गलत हुआ कोई बात नहीं इसके लिए सो सॉरी माफ़ करना क्वेश्चन सही था लेकिन आंसर हमने गलत लगवा दिया कोई बात नहीं हमने जल्दी में देखा नहीं उसे इसके लिए सो सॉरी माफ़ करना थैंक यू सो मच जय हिंद जय जै भारत